आवाज कहाँ से आ रही है? अरे वाह, बारिश हो रही है, इतनी प्यारी वाली, इतनी हसीन बारिश हो रही है। उठ जाओ भाई, बारिश हो रही है, क्या सोते रहोगे? जहांगीर उठो जल्दी, बारिश हो रही है। सुने ये बात, ए उठ जाओ, बारिश हो रही है बाहर। हाँ तो प्यारा मौसम बोला खड़े हो, क्या सोते रहोगे क्या? जहांगीर उठो ना जल्दी से, अरे तो प्यारा मौसम हो रहा है बाहर। मैं खुद आवाज सुन के गई बाहर, इतनी तेज तेज आवाज आ रही थी। हाँ तो अभी जो है ना, ये सारण में गरम कर रही हूँ। ये सारण के भिंडी गोश्त का आया था नीचे से, तो मैं चले इसको गर्म कर लेते हैं, और बाहर ही क्योंकि मूड बन रहा है अभी कुछ खाने जाने का, जाएगा तो इसको भी गर्म कर लेती हूँ, घर का सामान भी जाएगा। बाकी नाश्ता जो ना अभी हम लोग करेंगे बाहर, तो मौसम अच्छा होता है ना तो घर में बच्चों को और हमारा ठहरना जो है ना बहुत मुमकिन नामुमकिन हो जाता, तो इसीलिए जो है ना अभी बस हम लोगों ने मौसम का फ़ायदा उठा रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं बाहर। तो सालन भिंडी गोश्त का सालन है, साथ में अंडे पराठे, और देखते हैं कि बच्चे क्या फरमाइशें करते हैं अपनी, वैसे क्या खाने का मूड है देखते हैं क्या बोले। बच्चों को बस ये टेंशन हो रही है कि बारिश ना रुक जाए, मैं कहा बारिश रुक भी जाती है तो मौसम तो अच्छा हो रहा है ना, बेहतरीन वाला मौसम हो रहा है। आज एकदम तो सरप्राइज मिला है कि तो प्यारा मौसम हो रहा है। चलो भाई, आज जो है ना पिछली दफ़ा जो हमारे साथ हुआ था ना वैसा ना हो, तो इसीलिए हम लोगों ने आज पूरा बैग तैयार किया है एहतियातन, कपड़े वगैरह बच्चों के एक्स्ट्रा रखे हैं, और ये पानी और ये सालन, और अब हम निकलते हैं। चले भाई, जाएंगे थर्मास भी ले लेना, प्यारा लग रहा है सनफ्लावर। मीठी ईद जैसे ही जाती है ना, हम फ्री होते हैं ईद से, तो बस फिर बकरीद का इंतज़ार होने लग जाता है, और चारों तरफ जो है जानवर ही जानवर दिखने लग जाते हैं। तो खैर, ये रस्ते में दुम्बा नज़र आया जो कि बहुत ही माशाल्लाह हेल्दी था, और देख कर ही लग रहा था कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी होगा। तो खैर, वॉइस ओवर करते वक्त जो है ना अल्फाज थोड़े से चढ़ा जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि एक तो गर्मी में वॉइस ओवर करना पड़ता है पंखा एसी वगैरह सब कुछ ऑफ करके। तो हम लोग जो है ना, खैर अभी आ गए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि कभी कभार अच्छे मौसम में जो है ना बाहर नाश्ता करने का दिल चाहता है, ज़्यादा नहीं क्योंकि नाश्ता जो है ना मुझे ज़्यादातर घर का ही बना हुआ अच्छा लग रहा होता है। लेकिन ये था कि आज क्योंकि बच्चों की आखिरी दिन छुट्टी का था, कल से फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जानी है, और फिर ये है कि बच्चों का जो है ना अभी काफ़ी टफ रूटीन आने वाली है, क्योंकि अब फाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी है। रमज़ान में जितने मज़े बच्चों ने कर लिए, जितने ईद पे मज़े कर लिए ना, अब वो सारी कसर पूरी होनी है, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स का जो एक बर्डन बच्चों के दिमाग पर आता है, और एक जो टेंशन माओं को भी होती है ना साथ साथ, उसकी बात ही अलग होती है। घर का बना हुआ सालन था जो कि मेरी सास ने भेजा था रात में, तो हमने जो है ना खाना खा लिया था, तो इसीलिए जो है सालन मैंने ऐसे कैसे रख दिया था। अब ये सुबह नाश्ते में काम आ गया था, और मौसम इतना कोई ठंडा ठंडा सा हो गया था, और काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो काफ़ी कमी से जो है ना ऐसा मौसम देखने में आता है, वरना ज़्यादातर हमारे जो है ना शहर में धूप ही हो रही होती है, और गर्मियाँ जो है वो काफ़ी शदीद पड़ती है। लेकिन इस बार जो है ना बहुत मुख्तलिफ मौसम देखने में आ रहा है, कि अप्रैल में भी जो है ना काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। वहाँ पे जाके तस्वीर बनवा के हूँ बर्फ पे रखे में ऊंचा मिक्स है क्या मिक्स हो यार, बात सुनो भाई, छोड़ दे दो चॉपस्टिक का तरह होगा, चॉपस्टिक से खाऊंगा मैं गाइस। फिर अगर फलों की बात करें ना, तो गुलाची और साथ में तरबूज, ये दोनों कोई इतने मज़ेदार आ रहे हैं, और गुलाची कौन कौन शौक से खाता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे खरबूजे से ज़्यादा जो है ना ये अच्छी लगती है, लेकिन मीठी बहुत होती है, और डॉक्टर ने जो ना आजकल मीठा थोड़ा कम करा हुआ है मेरा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है कभी कभार तो चलता है। तो पूरा हैदराबाद ही यहाँ पर आ गया मुझे लग रहा है, नहीं भाई यहाँ पर उतरने वाली जगह नहीं, इस काबिल नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा आवाम है, आवाम इससे ज़्यादा, पूरी पूरी गाड़ियाँ भर भर के आई हैं, देखो जरा हम सर हम ही निकले हैं यहाँ तो पूरा हैदराबाद ही निकला हुआ है, नहीं नहीं सीधा निकाले हैं, बस उतरने वाला सीन नहीं है, देखे ना कितनी बाइक से
पूरा ये तो पूरा मेन पॉइंट तो उधर है, वो जगह ही नहीं है उधर, लोग बाहर आए हुए हैं। हाँ इतना रश। तो हम तो भाई फंस चुके हैं बुरे तरीका ट्रैफिक में, बुरे तरीके से ट्रैफिक में, और हमें लग रहा था कि शायद हम ही निकले हुए हैं ट्रैफिक, कुछ होंगे थोड़े बहुत लोग, लेकिन यहाँ तो पूरा लग रहा है हैदराबाद ही निकला हुआ है। इतना कोई रश नहीं, सीधा निकाल लें बस, देख लें आप आगे पूरा जाम हुआ हुआ ट्रैफिक, पूरा जाम है। बकायदे बसें आई हुई हैं, भर भर के बसें आई हुई हैं, गाड़ियाँ बोट में। हम तो बड़े तमीज से बैठे हैं गाड़ी में, लोग तो पूरे गोदों में चढ़े हैं, रक्षा तक में आ रहे हैं लोग, बहुत ज्यादा जाम हो रहा है। देखते हैं भाई या तो फिर यहाँ से तो निकले हैं फिलहाल, बहुत रश है आगे, पता मुझे लगा फंस जाएंगे अगर जाएंगे। हाँ मुझे लगा आगे फंस जाएंगे। देखो वहाँ तक आवाम खड़ी है, वो देखो ये देखो आवाम, आवाम का रश चेक करो, ये देखें देख रहे हैं, देखिए वो देखिए वहाँ तक ट्रैफिक है पूरा। आई थिंक बहुत रश था, बहुत रश था, अच्छा ही करा मोड़ ली, चलो मोड़ ली। हाँ। आगे ब्रिज में कहाँ जा, नहीं ब्रिज तो फुल था, बिल्कुल फुल था, मैं फ्रेश मिलती है इधर, समंदर की है, दरिया 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 सॉरी दरिया, हाँ दरिया की। तो जाम शोरों का जो मेन पॉइंट था ना, जहाँ पे लोग इतने सारे जमा हुए हुए थे, वहाँ से तो खैर हम लोग अपनी जान बचा के निकले थे, क्योंकि इतना वहाँ पे हम लोग फंस जाते ना कि हमें रात हो जानी थी। तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स की ज़िंदगियों में ऐसा नहीं होता कि हम लोग ही घूमते फिरते हैं, माशाल्लाह से देखें ना कितना रश था, मतलब कि सबके चैनल्स तो नहीं थे मगर आम आवाम भी कितनी ज़्यादा जमा थी, लेकिन यूट्यूबर्स इसलिए निशाना बन जाते हैं क्योंकि हम लोग जो है आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, वीडियो बनाकर अपनी लाइफ शेयर कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा जो है ना पॉइंट आउट हम लोग हो जाते हैं बेचारे, वरना ये है कि हर कोई जो है वो हमसे ज़्यादा ही बल्कि जो है ना घूम फिर रहे होते हैं, हमसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा खा पी रहे होते हैं, लेकिन एक जो बेचारे यूट्यूबर की ज़िंदगी होती है ना, वो इसलिए पॉइंट आउट हो रही होती है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर होते हैं, और सोशल मीडिया पर कोई भी बात बताना जो है ना बस ऐसा होता है कि बहुत से लोग, मैं सबको नहीं कह रही, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जब भी तो हम यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन जो लोग बाल में से खाल निकालते हैं ना, तो बस अल्लाह बचा के रखे। चंदे जा पानी की बोतल ला, मैं पानी लेके आऊं, यहां पे पानी का जोर है, अरे गाड़ी में डिग्गी खोलो गाड़ी में, होती है इसके साथ ही होते हैं सारे गाना बना दिया, सारी हरकतें इसके साथ होती हैं, पूरा पानी गोबर में भरा हुआ पैर। चाचा का सब्जी बेचने का नया अंदाज, फल भी बेच रहे हैं और सब्जियां भी बेच रहे हैं, देखो जरा केरियां हैं, अरे तो चुन्नी चुन्नी सी हैं, वहाँ बड़ी बड़ी थी उधर, थी बड़ी बड़ी, एक चकलू एक चकलू, छोटी छोटी हैं तो बड़े और बड़ी नहीं है इससे, ये तरबूज भी बिक रहे हैं और सब्जियां भी बिक रही, ये जिंदा मछली, कितने का दाना है, कितने का दाना है, तो जिंदा क्या मतलब है, बिल्कुल फ्रेश, ज़्यादा फ्रेश नहीं, हाँ कुछ ज्यादा ही फ्रेश हो गई, 500 में सारे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, बोला था मम्मा को कि आज मछली चावल बनाना, तो अभी मछली लेना है, देखते हैं क्या करें। मैंने अपनी लाइफ में जो ना पहली दफ़ा वो जिंदा मछलियाँ देखी थी, तो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि इस तरह की मछलियाँ मिलती हैं और बड़ी ताकतवर होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो ना ये कुछ मुनासिब बात नहीं थी, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है,
मुझे ऐसा ख़ुद को फील हुआ कि यार एक जानदार चीज़ है और उसको पानी से निकाल के इस तरह तरसाया जा रहा है। तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे थोड़ा सा देख के अफसोस हो रहा था। तो खैर यहाँ पर जो ना अभी हम लोग घर आ गए, तो घर आते के साथ ही जो ना बस मैंने नमाज अदा करी और आज बनाई मैंने काली वाली दाल, जो कि एक दिन पहले मुझे बनानी थी लेकिन हम लोग बाहर चले गए थे ना अंबर को लेके, तो फिर ये दाल जो है बनाना कैंसिल हो गई थी। लेकिन वो ये ना कि दिमाग में एक बात अटक जाए तो बस वो जब तक पूरा ना कर लें तो वो होता नहीं है। तो खैर फ़िश वगैरह जो ना मैंने वॉश करके रखी, क्योंकि फ़िश का जो ना मूड हो रहा था सबका ही, लेकिन मैंने कहा यार चलो जो ना कल वल बना लेंगे, लेकिन अभी दाल चावल बना लेते हैं, एक तो जल्दी बन जाएंगे और फिर मूड भी हो रहा था। अभी केरियाँ आ गई थी ना, तो केरियाँ जो है ना मुझे काली वाली दाल में तो बहुत ही कोई अच्छी लगती है, वरना अगर केरियाँ नहीं होती तो फिर मैं इमली डालती हूँ, लेकिन अभी सीज़न है केरियों का, तो अभी जब तक केरियाँ आएंगी ना तो मैं इसी का ही जो है ना यूज़ करूँगी, अभी चटनी वगैरह ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो ये केरियों की जो ना बनती हैं और बन सकती हैं, कलौंजी वगैरह ये चीज़ें भी। तो खैर यहाँ पर मैं दाल चावल बना लिए थे मैंने, और साथ ही साथ जो अभी चावल नहीं बनाए थे, दाल बना ली थी, और आप लोगों से जो है मैं बातें भी कर रही थी। तो आ जाते हैं अपने टाइटल की तरफ कि भाई मैं अपनी जो है तबीयत आप लोगों से क्यों शेयर नहीं कर रही हूँ, क्या वजह है जो कि मैं इतनी बड़ी न्यूज़, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो आप लोगों से छुपा रही हूँ। तो भाई देखें, छुपाने का तो खैर क्या मकसद हो सकता है, मतलब ये तो अल्लाह पाक की दी हुई इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि इंसान करोड़ों बार भी शुक्र अदा करे तो अल्लाह पाक का कम है। लेकिन कुछ चीज़ें ज़िंदगी में जो है ना आपके अख्तियार में भी नहीं होती, मतलब ये चीज़ तो आपके अख्तियार में ही नहीं है। और अच्छा यहाँ पे मैं जो है ना इसका बघार कर रही हूँ दाल का, जो कि मैं चिल्तनपुर के ऑलिव ऑयल में कर रही हूँ, और ऑलिव ऑयल के जो फ़ायदे हैं वो सभी को पता है, क्योंकि जैतून का जो जिक्र है ना वो कुरान पाक में भी है, और जैतून हर तरह से हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो आजकल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी खाने में आ रहा है, हेल्दी खा रहे हैं, सुबह नाश्ता यकीन करें बाहर का करा था, लेकिन भी दूसरी जो है ना तरफ मेरा फिर दिल चाह रहा था कि यार घर का बना हुआ जो है ना वो होना चाहिए, इसीलिए मैंने जो है ना थकावट का बगैर सोचे ही जो ना मैं फिर दाल चावल बनाने लग गई थी। और वही बात है यार कि कुछ भी कर लो आप, थोड़ा बहुत तो बाहर का खाने में आ ही जाता है। अब ये नहीं है कि हेल्दी अगर खा रहे हो तो आप बिल्कुल ही जो है बाहर का छोड़ दें, तो ऐसा मुझे लगता है कि आजकल की जितनी भी ज़िंदगी हमारी चल रही है ना उसमें नामुमकिन सी बात है। खैर तो इतनी बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो मैं क्यों अनाउंस नहीं कर रही, क्यों शेयर नहीं कर रही, बहुत से मेरे चाहने वाले जो है वो लोग समझदार हैं जिन्होंने इस बात का आइडिया लगाया और बिल्कुल ठीक लगाया, और मुझे दुआएं दे रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे दुआएं आ रही हैं, ऐसी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं समझती हूँ कि यार जिस चीज़ को वो कहते हैं ना कि जब चाँद चढ़ता है तो दुनिया देखती है, तो वो चीज़ वक्त पर जो है ना पता लगे ना कोई कुछ बातें, बल्कि बहुत सी बातें अपने वक्त पर पता लगती हैं तो वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं, और होना भी यही चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम थोड़ा सा जो है ख़ुद भी हम कंफर्टेबल नहीं हो रहे होते, हम अपनी फैमिली में भी जो है कुछ चीज़ों को इतना ज़्यादा जो है खुलकर नहीं बात कर रहे होते, बता रहे होते, तो फिर इतने सारे लोगों के बीच में बैठ के ना सबके अपने देखे नेचर्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो लोग बता देते हैं तो भाई वो उनका अपना नेचर है, उनका अपना एक मिजाज है, लेकिन जो लोग नहीं बताना चाह रहे होते तो आई थिंक अगर कोई नहीं बताना चाह रहा तो उसकी प्राइवेसी का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पे हर चीज़ पता लग जाती है, और ये चीज़ें कोई छुपती नहीं है, छुपाने वाली नहीं होती। अल्लाह पाक सबको जो औलाद की खुशियाँ नसीब करे, सबको औलाद की खुशियों से नवाजे, जो जो लोग बे औलाद हैं, क्योंकि लोग इतने कोई जो है परेशान रहते हैं औलाद के ना होने की वजह से, इतनी कमेंट्स आती हैं मुझे कि आप लोग दुआ, आप दुआ करें, लोगों से करवाएं, तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें अगर इंसान के इख्तियार में होती ना तो दुनिया में हर इंसान साहिब औलाद होता। तो अल्लाह पाक बस जिसको औलाद अल्लाह ने दी है तो उनकी औलादों को नेक बनाए, और जिनके पास अब तक ये नेमत नहीं है, जो महरूम है इस नेमत से, अल्लाह पाक सबको जो ये नेमत ज़रूर दे, चाहे एक हो लेकिन नेमत ही ज़रूर अल्लाह पाक सबको दे। तो बस तबीयतों का जो है यही है कि आप बस दुआओं में याद रखें, क्योंकि वही बात है कि जब आप माशाल्लाह से पहले से आपकी एक फैमिली सेट होती है, आपके बच्चे होते हैं ऑलरेडी, तो आपकी लाइफ जो है ना आप चाहकर भी रेस्ट नहीं कर सकते, आप चाहकर भी अपना जो है ना मर्ज़ी का काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बच्चों की खुशी देखनी होती है। भले आप अपना दिल तो मार सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अगर आपका मूड नहीं भी हो रहा बाहर जाने का, तो बच्चों का क्योंकि मूड है तो फिर माओ के बिना देखिए एक नेचुरल चीज़ है कि बच्चे नहीं जाते। सेकेंड ये कि सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ आती है ना तो लोग हर तरह की, वो कहते हैं ना कि जितने मुँह उतनी बातें होती हैं, दूसरों के लिए कोई भी बात करना आसान होती है लेकिन खुद अगर जब इंसान अपना प्रैक्टिकल कुछ करता है ना तो फिर इंसान को पता लगता है कि इंसान जो है हर कोई अपनी अपनी लाइफ में जो है वो इम्तिहान दे रहा है, और सभी जो है किसी की लाइफ इतनी ईजी नहीं होती, आसान नहीं होती, सभी की ज़िंदगियों में जो है वो
काम भी है और ये चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं, और कुछ चीज़ें तो इंसान के अख्तियार में होती ही नहीं हैं। फिर भी अगर इंसान कोई भी किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी का दिल तोड़ने के लिए अगर कोई भी गलत अल्फाज निकालता है, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक की अदालत में उसका जो है ना हिसाब ज़रूर होना है। खैर, आप लोगों को जो है ख़ास मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक बस साथ खैरियत से जो है अच्छा वक्त लेकर आए, ये वक्त अच्छे तरीके से गुजार दे। और मछली जो थी ना, अभी देखिए मैंने कोई मसाला वगैरह लगा के इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हस्बैंड का आज मूड था, सिर्फ नमक और मिर्चें जो है ना वो इस तरह से लगा के खाने का। ये मेरी सास बनाया करती थी, तो हस्बैंड को ये वाली आज जो ना दिल कर रहा था, तो बस मैंने हस्बैंड और बच्चों के लिए बनाई थी। पहले जो है मेरी सिस्टर की शादी का भी था, तो उसको भी हमने जो है सही टाइम पर ही जो अनाउंस किया था, क्योंकि हर चीज़ को जो ना एक सही वक्त पे अनाउंस करें तो फिर भी लोगों को चैन नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें होती हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, या कुछ भी खुशी जो इस तरह की होती है तो वो छुपने वाली चीज़ नहीं होती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि सही वक्त पर जो चीज़ पता लगे तो वो ज़्यादा सही रहता है। अल्लाह पाक बस सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ करे और सबको जो है अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। मेरी तहे दिल से दुआ है, जिस तरह मैं आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखती हूँ ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे अपनी ऐसी दुआ में याद रखेंगे। और कल से बच्चों के बस स्कूल स्टार्ट हैं, तो जहांगीर जो ना अपना यहाँ पर वर्क वगैरह कर रहा है और काफ़ी लेट नाइट तक करता रहा ये। मैं तो सो गई थी जहांगीर पर करके ना, उसके बाद सोया तो खैर मैं इसको ये कह के जा रही थी सोने कि अपना काम करके सोने आ जाना। अल्लाह हाफिज़, जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से।